देखिए, कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो वर्तमान में एक वैचारिक दिवालीपन के दौर से गुजर रहा है। आप ये देखिए कि माननीय गृह मंत्री जी अमित भाई शाह जी ने एक एक सवाल का जवाब उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था और ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि धारा 370 ए में जो अधिकार प्रदत्त हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को, उसी के तहत ये उन्होंने 370 के जो अन्य प्राविधान हैं उनको समाप्त किए जाने और 35 ए को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया। और पूरी राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पूरे पूरे दिन इस पर बहस चली। तो ये बात कहना कि ये संवैधानिक प्रावधानों का इसमें उल्लंघन किया गया, ये बिल्कुल तथ्यहीन है, निराधार है और इसमें कोई दम नहीं है। उच्चतम न्यायालय सर, सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को सुनने से मना कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ पे इंटरनेट बहाल हो, धारा 144 हटाई जाए या जो नेताओं ने जर्मन क्यों किया गया, इन सब विषयों के लेकर जो दाखिल था उसको सुप्रीम कोर्ट इग्नोर किया और इग्नोर किया, बल्कि टिप्पणी भी किया कि क्या रातों रात सिचुएशन सही हो सकती है, संवेदनशील विषय पर आप लोग इस तरह से कैसे करते हैं, सरकार को टाइम चाहिए व्यवस्था सुधारने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, देश के एक एक नागरिक के लिए देश हित सर्वोपरि है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो देश हित में है उसी को देखते हुए उस पीआईएल को खारिज किया है। आप देखिए कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जहां वहां की शांति के लिए और सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो सरकार ने उठाए हैं, उसके प्रतिफल भी आए हैं कि धारा 370 के प्राविधान समाप्त किए जाने के बाद, 35 ए समाप्त किए जाने के बाद पूरी बैली में, जम्मू एंड कश्मीर में पूरी शांति व्यवस्था है, लद्दाख में उत्सव का माहौल है और कश्मीर से भी, बैली से भी तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जो वहाँ धारा 370 समाप्त किए जाने का, 35 ए समाप्त किए जाने का को लेकर के उत्साहित हैं ताकि वहाँ विकास की रोशनी पहुँच सके। जो धन केंद्र सरकार कश्मीर के लोगों के खुशहाली के लिए और विकास के लिए देती है वो उनके विकास के कार्यों में लग सके, वहाँ पर्यटन उद्योग, औद्योगिक विकास वहाँ हो सके, वहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म का विकास हो सके और कश्मीर धरती का स्वर्ग जो कहा जाता है वो पुनः धरती का स्वर्ग बन सके, इसके लिए वहाँ की जनता भी बहुत उत्साहित है। और कुछ दिन और लग सकते हैं सामान्य हालत वहाँ होने में, लेकिन ये इस निर्णय का सबने स्वागत किया है। सर, वहीं अपने जम्मू कश्मीर इनके चौधरी ने कहा है कि 12 और 14 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा जिससे कि अब यहाँ की स्थिति को बिजनेस देके या उद्योग लगा के बदला जा सके, क्या कहेंगे? देखिए आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सबके साथ सबके विकास और सबके विकास का विश्वास का जो उनका संकल्प है उसको साकार करने के लिए और कश्मीर को जैसा उन्होंने कहा कि धरती का स्वर्ग है पुनः इसको धरती के स्वर्ग के रूप में स्थापित करना है, जो पिछले एक लंबे कालखंड में कश्मीर में अव्यवस्था, अशांति, असुरक्षा पैदा हुई थी उसको समाप्त करना है। उसके लिए जरूरी है कि वहाँ स्पिरिचुअल टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, वहाँ टूरिज़्म एक उद्योग का रूप लेकर के टूरिज़्म में बाहर के निवेशक काम आएँ और वहाँ टूरिज़्म के अवसर को, टूरिज़्म की सुविधाओं को और मजबूत करें। इसी तरह जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका विकास हो, शिक्षा का एक हब बन सकता है, आयुर्वेदिक क्षेत्र में जो हर्बल जो वहाँ उपलब्ध हैं उसके आधार पर एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो मोदी जी के अगुवाई में ये सरकार, भारत सरकार काम कर रही वो अपने आप में अभूतपूर्व है और आप जल्दी ही देखेंगे कि धरती का स्वर्ग कश्मीर पुनः उसी रूप में साकार होने लगेगा।